हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर आपका जो सेकंड है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज पढ़ेंगे इसका हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया आपका, कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। कह रहा है कि आपका जो यहाँ पैसेज दिया गया है, इसमें क्या होगा आपका, इस पैसेज में से आपका जो है 4 क्वेश्चन बनेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए बताया गया आपका, कह रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि जो आपका यहाँ पैसेज दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं उसका आप आंसर इन्हीं पैसेज में से आप दीजिए। तो देखते हैं हमारा पैसेज का यहाँ पे हिंदी क्या होता है। लिखा गया पैसेज, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज द वॉल्टर सिसुलस। सिसुलस लिखा गया आपका यहाँ पे, द चीफ लुथुलिस ई टी सी मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज विजडम एंड जनरसिटी दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। कह रहा है द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। कह रहा है जो रंग भेद का, जो आपका रंग का भेदभाव है, वो कह रहा है कि मेरे देश में और मतलब मेरे देश में और मेरे देशवासियों मतलब मेरे पीपुल को या मेरे लोगों को इतना गहराई तक प्रभावित किया था कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और इतना ज़्यादा घाव दे दे कभी आपका वो जल्दी भर ही नहीं सकता है। तो देखिएगा आगे लिखा, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। कह रहा है कि हम लोग इसमें जो है इसी घाव से या इसी रंग भेद से हम लोग इसी में कितने साल गुजारे। इफ नॉट जनरेशन है, इसमें एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां गुजारी रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कह रहा है कि कितनी पीढ़ियां भी इसको सुधार नहीं सकती हैं या जल्दी से जल्दी इसका घाव भर नहीं सकती हैं। इसके बाद लिखा गया है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर। कह रहा है कि लगभग जो है 10 वर्षों से, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 10 वर्षों ने हमने कहाँ पे दशक, मीन्स पता नहीं कितने ऐसे जो वर्ष हैं जब से मतलब हम लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है बहुत निर्दयता पूर्वक। अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट हैज दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्प्स, जिसको मतलब जिनका कह रहा है कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अनिच्छा पूर्वक, ये जिनको कह रहा है कि ये सब सहने के लिए वो सब बाध्य थे। इनका नाम लिखा गया आपका यहाँ पे, ओलिवर टैम्बोज है, द वॉल्टर सिसुलस है आपका, द चीफ लुथलिस है आपका। कह रहा है कि ऐसे लोग थे, इतने महान लोग थे जो बिना इच्छा से या बिना मतलब अनचाहे ये सब इस घाव को सहे, और जितना इनसे हो सका उतना इसको मिटाने के उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद लिखा गया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज। कह रहा है कि ऐसे लोग थे जिनके अंदर करेज इतना अधिक था, इतना अधिक इनके अंदर साहस था कि ये सब लड़े, उसका सामना किए, विजडम एंड जनरसिटी दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। कह रहा है इनमें इतना साहस था, इतना बुद्धिमानी थे, इतना इनके अंदर उदारता था जो शायद कभी भी अब इस देशवासी में या किसी के अंदर वो नहीं आ सकता है, ना कहीं कभी इसके बारे में हम लोग इसमें अब सुन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है आपको इससे यहाँ पे। कह रहा है कि होम डज माई रिफर टू इन दिस पैसेज, इन द पैसेज। कह रहा है कि इस पैसेज में जो आपका माई वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है या किसको एड्रेस करके संबोधित कर रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं इसका आंसर बताएगा आपको नीचे यहाँ पे। कह रहा है कि माई रिफर टू द नरेटर आई इन नेल्सन मंडेला। कह रहा है कि जो इसका नरेटर, जो इसका यहाँ पे अनुवाद वाचक है, जो इसका मतलब उल्लेख कर रहा है, माई वर्ड उसके लिए जो इसका नाम आपका यहाँ पे नेल्सन मंडेला है, या कह सकते हैं जो आपका माई वर्ड है ये यूज किसके लिए हुआ, ये हुआ आपका नेल्सन मंडेला के लिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया आपका माई कंट्री, देख लीजिए यहाँ पे माई है
और हमारा ई एम आई है। कह रहा है कि ये माई दोनों वर्ड आपका ये किसके लिए आपका यूज हुआ है, तो यूज हुआ आपके नेल्सन मंडेला जी के लिए। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ पे, कह रहा है नेम टू पर्सन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी मेंशन इन द पैसेज। कह रहा है इस पैसेज में जो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों को बताया गया कि उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, बुद्धिमत्ता थी, बुद्धिमानी थी, उदारता थी। कह रहा है कि उनमें से आप दो का नाम यहाँ पे बताइए, उनको लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ओलिवर टेम्बोज थे और सर वाल्टर सिसुलस थे, और बताया गया आपको यहाँ पर चीफ यहाँ पे लुथिलिस। तो कह रहा है कि आपको केवल दो ही नाम बताना है, तो आप यहाँ पे अपना आंसर में जो है आप दो नाम लिख दीजिएगा। देखिए इस कहाँ से लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि ओलिवर टेम्बोज एंड लिथुलिस आर द टू पर्सन या टू पीपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी इन द पैसेज। कह रहा है कि इस पैसेज में जो है ओलिवर आपके टेम्बोज को और लिथुलिस को जो है सबसे मतलब बताया गया यहाँ पे साहसी, सबसे बुद्धिमान, और कह रहा है कि बहुत ज़्यादा उदारवादी इसमें व्यक्ति बताया गया है। इसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कह रहा है ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कह रहा है कि इस पैसेज में आप जो है एक वर्ड ढूंढिए जो कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर वर्ड से जो इसकी वर्ड मीनिंग से वो मैच खाता हो। तो देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया था आपका डिकेड्स। अब देखिए डिकेड्स मीन्स क्या होता है, दशक होता है, 10 वर्षों का समय होता है। यहाँ पे लिखा गया आपका अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कह रहा है कि 10 वर्षों का समय जो है, जो शब्द भी रखता है समान मीनिंग उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो देखिए इसका यहाँ पे वर्ड जाएगा आपका यहाँ पे डिकेट्स। देखिए यहाँ से लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है द वर्ड डिकेट्स मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यह डिकेट वर्ड की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे होता है 10 वर्षों का समय। इसका क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है वॉट क्रिएटेड अ लास्टिंग उन इन द नेशंस कंट्री। कह रहा है नेल्सन मंडेला की कंट्री में, देश में सबसे अधिक घाव जो है किसने मतलब जो है उत्पन्न किया या मतलब सबको घाव दिया। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे, कह रहा है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। कह रहा है जो रंग भेद भाव था वहाँ पे, वही सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबको घाव दिया, सबको सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो परेशान किया था। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा पैसेज नंबर सेकंड क्या लिखा गया है। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर टू, जो कि आपका एक पैसेज है, कह रहा है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see, लिखा यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लोग, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब देखिएगा इसकी हिंदी क्या होती, समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज रिलीजन और हिज बैकग्राउंड। कह रहा है कि कोई भी इंसान जन्मजात या पैदाइशी किसी भी इंसान से उसकी त्वचा, उसके चमड़े, उसके फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, उसकी गरीबी जो उसके मतलब होता है, या धर्म के हिसाब से कोई उसे घृणा नहीं करता, कोई उसे नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कह रहा है कि लोगों को जो है हेट करना आप सिखा सकते हैं या सिखाना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो हेट करना, किसी से नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो पेड़, वो कह रहा है कि किसी से प्रेम करना भी सीख सकते हैं। कह रहे यदि कोई भी इंसान को हम लोग किसी से हेट करना, किसी से नफरत करना सिखा सकते हैं, तो किसी भी इंसान को हम लोग प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। कह रहा है कि फॉर लव्स कम मोर नेचुरली टू हार्ट टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहा है कि प्रेम एक ऐसा मतलब कि आपका जो है भाव है, जो इंसान के अंदर जैसे ही आप
प्रकट करते हैं किसी के लिए प्रेम, तो नेचुरली वो उसको जो है आपसे प्रेम होने लगता है, या मतलब प्रेम का भाव सामने इंसान के जग जाता है। जबकि जो नफरत होती है उसको किसी के अंदर जगाने में या उत्पन्न करने में काफ़ी आपको प्रयास करना पड़ता है। तो कह रहा है जब किसी के अंदर हम लोग हेट को उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग बहुत आसानी से प्रेम को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया है, कह रहा है देन इट्स अपोजिट, जबकि कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका हेट है उसको उत्पन्न करना कठिन, जबकि प्रेम को उत्पन्न करना काफ़ी आसान है, प्रकृति नेचुरली आपका होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रेजेंट, कह रहा है जब मैं जेल में था उस समय की बता रहा हूँ मुख्य बात में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कह रहा है जब मेरे साथियों को और मुझे जो है जेल में डाल दिया गया था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो कह रहा है कि मैंने वहाँ पे सभी गार्ड में से जो वहाँ पे होते हैं सब लोग गार्ड्स, उन गार्डों में से एक के अंदर मैंने मानवता देखी थी, या उसके अंदर मैंने इंसानियत को देखा था। परहेप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कह रहा शायद जितना भी वहाँ पे थे उनमें से दूसरे के अंदर, कह रहा कि अगर वहाँ पे दो हैं या आपके वहाँ पे चार हैं यहाँ पे दस हैं, तो कह रहा प्रत्येक में दूसरे के अंदर हमने मानवता को देखा था या पाया था। बट इट वॉज इनफ टू रियजर मी एंड कीप मी गोइंग, कह रहा है कि यही जो है मुझे मुझमें विश्वास दिलाया, विश्वास जगाया, और मैंने अपने जो है संघर्ष की यात्रा इसी के माध्यम से शुरू की, या मैंने उसी से सीख करके लड़ाई मैंने यहाँ पे शुरू की अपनी आज़ादी के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, कह रहा मानव की जो अच्छाई होती है वो एक ज्वाला के समान होती, एक आग के समान होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे हम छिपा सकते हैं बट नेवर इसने का, लेकिन कभी उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। कह रहा है कि जो मानव की अच्छाई होती है उससे हम लोग कुछ पल के लिए दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं, बट कभी उसको हम लोग पूर्ण रूप में किसी के अंदर से नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है हमारा इससे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है वाई इट इज़ इजी टू लर्न टू लव, कह रहा है कि प्रेम सीखना, प्रेम को सीखना इतना आसान क्यों बताया गया है, या कह रहा है कि प्रेम सीखना आसान क्यों होता है, वो कैसे होता है। तो देखते हैं इसका हम लोग आंसर आगे। देखिए लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आंसर, कह रहा है कि पहला है इट इज़ ईजी टू लर्न टू लव बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन एनी अदर इमोशंस। अगर देखते चल के इसका हम लोग आंसर अपने पैसेज में, तो देखिएगा इसका आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से। देखिए कह रहा है कि कह रहा है पीपुल मस्ट, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये बोला, कह रहा है कि द लव, यहाँ बोल सकते हैं आप, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कह रहा है कि प्रेम को सीखना मानने के लिए बहुत नेचुरल प्राकृतिक होता है, जबकि नफरत को सीखना इंसान को बहुत ही उसके लिए जो होता है कठिन होता है। तो कह रहा है कि प्रेम ऐसी चीज़ है या ऐसा भाव है जिसको हम लोग किसी के सामने अगर प्रकट करते हैं तो उस इंसान को भी मुझसे जो हमसे प्रेम होता है, और प्रेम इंसान बहुत आसानी से सीख जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू लिखा गया है, कह रहा है कि What was the opinion of Mandela about the man's goodness? कह रहा है कि मानव के या इंसान के, इंसानियत के ऊपर या इंसानियत के लिए, कह रहा है कि मंडेला जी की क्या राय थी या उनके क्या विचार थे। तो बोला यहाँ पे आंसर, कह रहा है कि मंडेला ओपेंड द, क्या लिखा आपका, लिखा आप ओपिनियन दैट मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, उन्होंने कहा कि मानव की अच्छाई क्या एक ज्वाला के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसको हम लोग कुछ पल के लिए दबा सकते हैं या छिपा सकते हैं, बट नेवर स्नेक गाय, लेकिन कभी उसको हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखो उन्होंने बताया कि कह रहा है कि मानव की जो अच्छाई होती है और ज्वाला के समान होती है, इसको हम लोग कुछ पल के लिए छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए कभी भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा गया है, कह रहा है कि ट्रेस अवर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेवर, कह रहा है कि इस पैसेज में से आप एक शब्द ढूंढिए जिसकी मीनिंग इस सेवर की मीनिंग से मैच खाती हो। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो आंसर लिखा गया, लिखा है आप ग्रीमेस्ट, देखिए इसकी मीनिंग होती है बहुमूल्य समय, या होता है कीमती समय, या होता है इसे कहते हैं हम लोग प्राइम टाइम।
आगे लिखा गया है व्हाट इज द फ्लेम इन द पैसेज, कह रहा है कि इस पैसेज में फ्लेम क्या है, कह रहा है फ्लेम का वास्तविक भाव क्या है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि फ्लेम क्या है, मानव की अच्छाई है। और देखिए बताया भी गया था मानव की अच्छाई किसके समान है, एक फ्लेम, एक ज्वाला, एक आग के समान होती है। आगे चलते हम लोग देखते हैं हमारा पैसेज नंबर 3। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक पैसेज है। लिखा गया है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेज ऑफ पॉवर्टी डिप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, लिखा गया है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, कह रहे हैं कि लास्ट में हम लोग को राजनीतिक जो है अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता हम लोग को मिल गई कि हम लोग राजनीति में भी अब भाग ले सकते हैं। वी प्लेज आवर सेल्वस टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डिप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड ऑल आवर डिस्क्रिमिनेशन। हमने उस दिन शपथ लिया, कहते हैं हम शपथ लेते हैं कि आज से जो है जब हमको राजनीतिक पावर मिल गया है तो अपने लोगों को हम लोग उनकी दरिद्रता से, गरीबी से, उनकी परेशानी से, उनके कष्ट से, और जो आपका लैंगिक भेदभाव होता है उन सब से उनको हम दूर करेंगे। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा। लिखा गया है हु इज द स्पीकर, कह रहा है कि इस कहानी को या इस पैसेज को बोलने वाला कौन है, या कह रहा है कि इसका स्पीकर कौन है या इसका वक्ता कौन है। तो देखिएगा इसका जो स्पीकर है आपका वो नेल्सन मंडेला जी हैं, क्योंकि पता है आपको पूरी कहानी को वही लिखे हैं और वही पूरी कहानी को सुनाए हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिखा गया है, लिखा है नेल्सन मंडेला इज द स्पीकर। उसका लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है व्हाट प्लेस डज ही टेक, कह रहा है वो कौन सी शपथ, कौन सी कसम खाते हैं या शपथ कौन सी लेते हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो प्लेस दिया गया, तो आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर लिखा गया है। लिखा गया है ही टेक्स अ प्लेस टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा है कि वो शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को हर एक प्रकार के भेदभाव से, चाहे भेदभाव आपका लैंगिक हो, चाहे रंग भेदभाव हो, सब चीज़ से स्वतंत्र करेंगे, उनको मुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया आपका, कह रहा है विच वर्ड इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ इमेंसिपेट, कह रहा है कि इमेंसिपेट जो है वर्ब का कौन सा नाउन इस पैसेज में लिखा गया है। तो आप जानते हैं किसी भी नाउन को अगर हम लोग पहचानते हैं हमारा नॉर्मली क्या होता है, अगर उसके लास्ट में हमारा लगा होता है TION जिसे बोलते हैं हम लोग सन, तो वर्ड हमारा वो नाउन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड हमारा इसका जो है नाउन है। देखते हैं इसका आंसर भी लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया है द वर्ड फॉर्म ऑफ इमेंसिपेट इज इमेंसिपेशन, कह रहा है कि आपका जो इमेंसिपेट है इसका नाउन होता है इमेंसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, कह रहा है व्हाट हैज द स्पीकर अचीव, कह रहा है कि जो वक्ता है जो नेल्सन मंडेला जी, उन्हें क्या मिल गया था, वो क्या प्राप्त कर लिए थे। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया, वो प्राप्त कर लिए थे पोलिटिकल इमेंसिपेशन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है पोलिटिकल इमेंसिपेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पैसेज है भी। लिखा है 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली विसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल, साउथ अफ्रीकन सोल। द सेरेमोनीज टू प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट
Colors and Nations for the Installation of South Africa's First Democratic Non-Racial, बोलेंगे इसको हम लोग Non-Racial Government। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। कह रहा है कि 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, कह रहा है कि 10 मई का दिन आ गया जब दिन बहुत ही सुंदर और सुहावना लग रहा था, क्योंकि उस दिन जो है आपके जो नेल्सन मंडेला जी उनको शपथ लेना था एक राष्ट्रपति पद का। और आगे लिखा गया है फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कह रहा है पिछले कई दिनों से आई हैड बंदी की, ये जो आपके आई है ये आपके नेल्सन मंडेला जी हैं वही अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आई हैड बिन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनोग्रेशन। कह रहे हैं पिछले कई दिनों से जो हमको कई प्रकार के विश्व के नेताओं से या सभी लोगों से अधिकांश मात्रा में सम्मान मिल रहा है। कह रहा है कि इनोग्रेशन लेने से पहले, कह शपथ लेने से पहले या समारोह शुरू होने से पहले से उनको कई दिनों से सम्मान मिल रहा है, लोग उनको आदर सत्कार दे रहे हैं। आगे लिखा गया है द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। कह रहा है कि इनोग्रेशन आपका सबसे बड़ा इनोग्रेशन होगा जहाँ पे पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जो भी हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे जमीन पर वहाँ पे आएंगे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। कह रहा है कि जो आपका समारोह है वो जो है आपका स्थापित होने वाला है सैंड स्टोन एम्फीथिएटर में, जो कि बनाया गया था द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, इसे बोलेंगे हम लोग प्रेटोरिया, जो बनाया गया था आपका यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में। आगे बता रहा है फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कह रहा है कि लगभग दशकों से या कई सालों से जो अब तक जो आपका राजपाट था वहाँ का शासन चला रहे थे वहाँ के वाइट लोग, मीन्स वहाँ पे अंग्रेज लोग। उसके बाद लिखा गया एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ आर रेनबो। कह रहा है कि लेकिन अब क्या है यहाँ पे रंगीय भेदभाव ख़त्म हो गया है, अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे रेनबो, कह सकते हैं कि अब यहाँ पे कोई भी इंसान रंग के हिसाब से किसी कलर के हिसाब से उसको राजनेता चुनेगा नहीं, अब सबको चुनने का अधिकार हो गया, सबको राजनेता बनने का अधिकार हो गया है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, कह रहा है कि सभी लोगों को जो है अब इसमें शामिल होने का, इसमें भाग लेने का अधिकार मिल गया है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, कह रहा है कि आज का ऐसा दिन है जब पहली बार जो है यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक सरकार बन रही है जो कि बिना कोई किसी प्रकार के भेदभाव से बन रही है, जिसे कह सकते हैं हम लोग नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसा मतलब सरकार जो किसी प्रकार का जाति रूप में नहीं बनाया गया है। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई। कह रहा है कि 10th मई कौन सा ऐसा विशेष दिन है या 10th मई को ऐसा क्या विशेष है। तो देखिए बताया गया आपका उस दिन जो है आपके नेल्सन मंडेला जी शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आगे हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, कह रहा है द 10th में वॉज द डे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कह रहा है कि 10 मई के दिन आज ऐसे सरकार बनने जा रही है अफ्रीका में जो किसी प्रकार के रंगीय जाति भेदभाव के रूप में नहीं बनाई जा रही है, जो कि पहले बताया गया यहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जनता का शासन, जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर लोकतांत्रिक, वहाँ पे आज जो है पहली बार वहाँ पे शासन होने जा रहा है या मतलब कोई उसकी शपथ लेने जा रहा है। देन लिखा क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड होगा जो कि ऊपर है। कह रहा है कि व्हाट आर द सेरेमनीज रिफर्ड टू हियर। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा समारोह जो है होने जा रहा है, पता होगा आप लोग को यहाँ पर समारोह होने जा रहा है, वो शपथ लेने जा रहे हैं आज जो है ऐसे सरकार के जो कि बनाया गया नॉन रेसियल गवर्नमेंट के रूप में। तो देखते हैं इसका आगे आंसर क्या लिखा गया है। देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि द
सेरेमनीज रिफर टू द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका में पहली बार से सरकार बनने जा रही है जो किसी प्रकार के रंगीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव के रूप में नहीं बनाई जा रही है, जबकि सरकार आज आपकी बन रही डेमोक्रेटिक सरकार बन रही है। उसका क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा गया यहाँ पे सी है, कह रहा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन ऑफिस विद सेरेमनी। कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे वर्ड लिखा गया है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन द ऑफिस विद सेरेमनी, कह रहा इस शब्द का जो भाव है, जो इस शब्द के भाव से मैच खाता हो, ऐसा इस पैसेज में कौन सा आपका वर्ड है। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होती है, किसी भी जगह पे किसी इंसान को नया स्थान देना, किसी को नए रूप में उसको स्थापित करना। तो देखिएगा इसका यहाँ पे लिखा गया आंसर, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कोई चीज़ को स्थिर करना, कोई चीज़ को सही स्थान देना। तो इस वर्ड का जो आपका सिमिलरिटी वर्ड यहाँ पे सिमिलर वर्ड है आपका वो इंस्टॉलेशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया हमारा यहाँ पे, कह रहा है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कह रहा है कि जो समारोह है आपका ये किस जगह पे स्थापित होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, आपका जो समारोह स्थापित होने वाला है सैंडस्टोन एमपी थिएटर के जगह पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। लिखा गया है परहेप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल फाइनर और ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी जो दुनिया, आपके जो देश की संपत्ति है, यहाँ बताया गया कि वहाँ पे अधिकांश मात्रा में आपके मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, जबकि आपके मंडेला जी बोल रहे हैं कि किसी भी देश की किसी भी जगह की सबसे बड़ी जो वहाँ पे कोई रत्न होता है या कोई कह सकते हैं धन होता है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ की जनता होती है, न कि वहाँ पे आपके हीरे जवाहरात होते हैं। तो देखिए इसके हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हुज कंट्री रिफर्ड हेयर, कह रहा है कि यहाँ पे किसके देश की बात की जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर लिखा गया है, यहाँ पे कह रहा है नेल्सन मंडेलाज कंट्री इज रिफर्ड हेयर, कह रहा है यहाँ पे जो है आपका साउथ अफ्रीका जो कि आपके नेल्सन मंडेला जी की मतलब कंट्री उनका देश है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसका क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया यहाँ पे बी है, कह रहा है व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कह रहा किसी भी देश का सबसे बहुमूल्य, सबसे महान धन या सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो देखिए बताया गया यहाँ पे किसी भी देश का सबसे बड़ा धन होता है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, कह रहा है कि द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कह रहा है कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वहाँ की वो लोग होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, कह रहा है मेंशन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अबव एक्सट्रैक्ट, कह रहा है कि इस जो है आपके पैसेज में कौन से अलंकार का यूज किया गया है। तो देखिए कि यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया, यहाँ पे अलंकार हमारा यूज हुआ है सिमली, जिसकी हिंदी होती है यहाँ पे रूपक, इसको बोलते हैं हम लोग सिमली की हिंदी होती उपमा, रूपक तो होता आपका मेटाफर का। तो देखिएगा बताया गया आपको जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटेंस मिल जाएगा आपको, एज है, लाइक है, सो है, सेम है या सच, अगर कहीं आपको इनमें से कोई भी वर्ड अगर लगा मिल जाता है तो ये हमारा होता है यहाँ पे सिमली, आपका मेटा सिमली आपका अलंकार होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की हिंदी होती है अलंकार। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया आपका, कह रहा है कि मेंशन द वैल्यूएबल स्टोन इन द पैसेज, कह रहा है कि बताइए कि इस पैसेज में सबसे कीमती जो है आपका वो स्टोन पत्थर वो कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया है कि सबसे कीमती जो है आपको वहाँ पे जेम्स है, जो वहाँ के जवाहरात हैं उनको बताया गया यहाँ पे ये जेम्स है। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप लिखा गया यहाँ पे, जिसका आंसर आपको देना है यहाँ पे आपको 30 या 40 वर्ड्स में, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे।
देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, कह रहा है कि स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है, या कह सकते हैं कि आज़ाद जो है कहीं पे कौन होता है, क्या कोई लड़का होता है, कोई वहाँ पे विद्यार्थी होता है, या कह सकते हैं जब वो छोटे से थे बालक के रूप में थे उनको पता नहीं था कि आज़ादी क्या होती है, उनको पता था कि यहाँ पे सभी लोग समान हैं, सभी को समान रूप में आज़ादी, सभी अपने हिसाब से जो कुछ भी करना चाहें वो उसका उस काम करने के लिए वो सब आज़ाद हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया, कह रहा है एज अ बॉय, कह रहा है कि जब वो लड़कपन पे थे वो लड़के थे, बीइंग फ्री स्वतंत्र थे, मेन टू नेल्सन मंडेला टू वंडर फ्री इन फील्ड्स, कहने मतलब उनको इतना आज़ादी थी कि वो किसी भी जगह पे आसानी से वो घूम टहल सकते हैं, टू स्विम फ्रीली, वो किसी भी नदी में आसानी से फ्रीली तैर सकते हैं, टू रन थ्रू द विलेज, किसी भी गाँव में वो आ जा सकते हैं, उनको इतना आज़ादी उस समय थी, एज अ स्टूडेंट टू स्टे आउट नाइट, जिसे कह सकते हैं कोई विद्यार्थी होता है वो कभी अपने घर कभी बाहर रहता है उसको इतना आज़ादी मिलती है, टू रीड वॉट ही प्लीज एंड टू गो वेयर ही चूज, और जो कुछ भी पढ़ना चाहता है उसको इतना आज़ादी होती है और जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ पे वो जा सकता है पढ़ने के लिए। तो कह रहे हैं जब वो छोटे थे तो उनको इतना आज़ादी थी कि वो इधर उधर टहल सकते हैं घूम सकते हैं, जिस प्रकार से आज़ादी एक छोटे से विद्यार्थी को एक वहाँ पे बताया गया किसी स्टूडेंट को होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा गया, कह रहा है वाई इज 10 मई 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है 10 मई 1994 इज इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका एज द इनॉग्रल ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज कलीग्स टू प्लेस ऑन दिस डे, कह रहा है कि आपका 10 मई 1994 यहाँ पे साउथ अफ्रीका में इसलिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन आपके नेल्सन मंडेला जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं अपने साथियों के साथ में, और कह रहा है कि ऐसा यहाँ पे समारोह हो रहा है कि समारोह ऐसा है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे पूरे दुनिया के पूरे विश्व के राजनेता उनका स्वागत करने सम्मान करने के उनका आ रहे हैं। फिर आगे बताया गया है नेल्सन मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, कह रहा है कि लगभग 3 शताब्दियों के बाद में आज पहली बार, कह रहा है 10 मई के दिन नेल्सन मंडेला जो कि एक ब्लैक माना जाता है, उनको काला माना जाता है, और राष्ट्रपति पद का शपथ लेने वो जा रहे हैं, जो कि बताया गया वो कहाँ के थे आपके साउथ अफ्रीका के थे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि वॉट आर द ट्विन ऑब्लाइजेशन नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट इन हिज स्पीच, कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जी अपने स्पीच में दो जो है दो रूप में किसको सम्मान दे रहे हैं, या एक साथ कह रहा है कि दो रूप में किसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, किसको एक साथ में रखने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया, यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हिज ट्विन ऑब्लाइजेशन, कह रहा है कि किसी भी जगह पे प्रत्येक इंसान को दो प्रकार का अधिकार होता है, उसको उतना अथॉरिटी होती है, वन इज टूवर्ड हिज फैमिली, एक अधिकार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है कि उसकी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के लिए, और दूसरा होता है अदर इज टूवर्ड हिज पीपल एंड हिज कंट्री, और दूसरी जिम्मेदारी उसकी होती है अपने देश के लिए और अपने मतलब के देशवासियों के लिए। कह रहा कोई भी इंसान है उसके दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक पहला कि उसको अपना परिवार देखना होता है, दूसरा क्या होता है उसको अपना देश देखना होता है प्लस देशवासियों को भी देखना होता है, ये दो प्रकार की बातें जो इसमें वो किए हैं। आगे बताया क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा गया, कह रहा है व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जी का आपके साउथ अफ्रीका का जो फ्यूचर आने वाला है उसके लिए उनका क्या सपना है, उनकी कैसी सोच है। देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा मंडेला ड्रीम दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा मंडेला जी चाहते हैं कि उनका देश जो है हर प्रकार के जो है भेदभाव से या वहाँ की गरीबी से वो दूर हो जाए या उनसे वो आज़ाद हो जाए, नो कंट्री मैन शुड बी ऑब्लिजस ऑन दिस बेसिस ऑफ कलर एंड क्रिएट, कह रहा है किसी भी देश ने किसी भी देशवासी को उसके रंग और उसके धर्म के हिसाब से भेदभाव के साथ नहीं होना चाहिए, ये इसमें वो बताए हैं। आगे चलते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर लिखा गया हमारा यहाँ पे 5 है, कह रहा व्हाट पेंड नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा ऐसा कौन सा दुख था, दर्द था, जिसने मंडेला जी को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा मंडेला वॉज पेंड बाय हिज इनएबिलिटी टू थैंक हिज कॉमरेड्स हु वर अनेबल टू सी व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद में उनको जो है अभी भी कौन सा ऐसा दुख है, दर्द है, जो उनको सता रहा है। तो देखिए इसका सही प्रकार से बताया गया आंसर, कह रहा है कि ऐसे लोग जो उनके देश के लिए उनसे पहले कुछ कर गए हैं या देश के लिए अच्छा सोच गए हैं, उनको धन्यवाद देने में असमर्थ हैं, या उनके बलिदान को जो है उन सही प्रकार से उसको उनके सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, या उनको दिखा नहीं पा रहे हैं कि आज उनका देश आज़ाद हो गया है, जो चाहते थे ऐसा उनका देश बन गया है, उनको धन्यवाद नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो थोड़ा से परेशान है, वो दुखी हैं। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा व्हाई डिड नेल्सन मंडेला सेड, कह रहा मंडेला जी ऐसा क्यों कहते हैं, द ऑपरेजर्स ऑपरेज्ड एंड द ऑपरेजर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ द ह्यूमनिटी। कह रहा है कि जो आपके अत्याचार होते हैं, जो आपके अत्याचारी होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इंसान की मानवता को खा जाते हैं, या किसी की इंसानियत को सब हजम कर जाते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, नेल्सन मंडेला सेड सो बिकॉज द ऑपरेस्ड वर रॉब्ड। कह रहा है कि वेन दे suffered all that was against humanity and the oppressors had to kill the good human beings within himself before doing anything cruel to other person। कह रहा है कि उस जगह पे जब वो सरकार उनकी नहीं बनी थी या उनको कोई प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, तो ऐसी बातें थी कि जो भी इंसान कोई अच्छा काम करना चाहता है, इंसान दिखाना चाहता है, तो उसको क्या होता था, लोग दबा देते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे और बहुत निर्दयता के साथ में उसको जान से मार देते थे। तो इसलिए बताया गया है कि अगर किसी भी देश में ज़्यादा अत्याचार होता है किसी के साथ में रंगे भेदभाव के रूप में, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको सोच करके आगे बढ़ता है और वो कुछ नया करने का अगर प्रयास करता है तो नया प्रयास वो कर सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, कह रहा है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज एंड द ब्रेव मैन। कह रहा है कि किस प्रकार से मंडेला जी ने साहस की परिभाषा दी है और किस प्रकार से बताया है कि बहादुर इंसान कौन होता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कह रहे हैं कि उनके हिसाब से, कह रहे हैं हिम्मत हुआ नहीं है जिसमें डर नहीं होता, कह रहे हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कह रहे हैं कि बिना डर के कहीं भी हिम्मत नहीं आती है। कह सकते हैं कि जो इंसान डरता है उसी के अंदर जो अत्याचार सहते सहते एक दिन हिम्मत आ जाती है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट। और कह रहा है कि अगर वही इंसान अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेता है तो एक दिन वो साहसी बन जाता है और कुछ भी वो कर सकता, कुछ भी वो अपने साहस के बल पर पा सकता है। आगे बताया गया, इन द सेम बेसी प्रकार से द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहा बहादुर इंसान वह नहीं होता है जिसको डर नहीं लगती है, बट ही हु कन्फ्यूज दैट फियर। कह रहा बहादुर इंसान वो होता है जो अपने डर को जीत लेता है, अपने डर पे जीत हासिल करके उसको डर को दबा करके उस पर जो बलपूर्वक उस पर हावी होकर के अपनी बहादुरी दिखाता है, वो इंसान सच में बहादुर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है व्हाट मंडेला मेंट व्हेन ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। कह रहा है जो उनसे पहले जो आपके मंडेला जी अफ्रीका के देशभक्त लोग चले गए हैं, उनको जो है सिंपली प्रकार से सबको साथ मिले करके चल रहे हैं और किस प्रकार से उनका धन्यवाद कहते हैं, इसमें ये बताया गया है। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉज अ पेट्रियट। कह रहा है मंडेला जी भी एक देशभक्त थे, लाइक ऑल द अदर पेट्रियट, जो उनके पहले कुछ देशभक्त मर गए थे या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद को बलिदान कर दिया था, उन्हीं के सामने भी एक प्रकार के देशभक्त थे। ही फेल्ट द नीड ऑफ पोलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो अंडर वेंट टॉर्चर बाई द वाइट ऑफ हिज कंट्री। वो भी जो है
हर प्रकार से अपना राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, और अंग्रेज़ों का जो है वो टॉर्चर, उनका उनका जो कह सकते हैं हम लोग, टॉर्चर मीन्स हो सकता है आपका यहाँ पे किसी को दबाना, किसी को बाध्य करना, किसी को बलपूर्वक कोई चीज़ मानने के लिए उनको बाध्य करना, वो सब सहते सहते वो मर गए। ही इंक्लूड 3 पर्सन इन हीज लिस्ट हु वर रोल मॉडल फॉर हिम। कह रहे हैं उन्होंने इस लिस्ट में 3 लोग को शामिल किया है जो कि उनके लिए एक प्रकार के रोल मॉडल थे, उनके लिए एक प्रकार के वो आइडियल थे, उनके लिए आदर्श थे, जिनकी बात बताया गया था आपको ऊपर उन्होंने किया है, जिनमें 3 बताया गया वहाँ पे वो लोग थे, उनको थोड़ा सा आप ऊपर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लॉन्ग आ गया है, क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको 100 या आपको 120 शब्दों में देने होते हैं, जो आपके 8 मार्क्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला लिखा गया आपका, कह रहा है हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल चेंज नेल्सन मंडेलाज लाइफ। कह रहा है कि अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, उनकी इच्छा उनके अंदर जगह उनको आज़ाद करने के लिए, किस प्रकार से मंडेला जी की लाइफ को चेंज कर दिया। कह रहा है जब मंडेला जी के मन में ऐसा विचार आए कि उनको अपने देश को आज़ाद करना चाहिए, देशवासियों को, तो किस प्रकार से उनका जीवन बदल गया। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल टोटली एनिमेटेड नेल्सन मंडेलाज लाइफ। कह रहा है कि अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए जब उन्होंने सोचा तो पूर्ण रूप में उनका जीवन जो बदल गया था। ही वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन टू अ बोल्ड मैन। वह एक डरपोक व्यक्ति, एक डरे व्यक्ति से को छोड़ करके या उसका रूप बदल करके वह एक बहादुर इंसान अब बन गए थे। द डिजायर टर्न अ लॉ अवेडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल। कह रहा है कि जिस प्रकार से वो पहले जो है लॉ को सही प्रकार से मानते थे, नियम कानून को, लेकिन अब क्या था, एक प्रकार के बदल गए थे वो, कहते थे क्रिमिनल। कहने मतलब कि जानबे करते हैं आप लोग, जो आज़ादी की लड़ाई करता है वहाँ पे अगर वो संघर्ष करता है, मारपीट करता है या अपनी आज़ादी की मांग करता है तो उनको लोग क्रिमिनल कहते हैं, और वहाँ की सरकार उनको जो बाध्य कर कभी कभी दे देती है फांसी, कभी कभी उनको जेल में वो डाल देती है। आगे लिखा गया है, अ फैमिली लविंग हस्बैंड वॉज टर्न इन टू अ मैन विदाउट अ होम। कह रहा है कि ऐसा इंसान जो अपने जो है परिवार को प्रेम करता था, वो एक पति था, अपनी पत्नी को प्रेम करता था, अब एक प्रकार का बन गया था वहाँ पे घर युक्त, कह सकते हैं हम लोग घरहीन बन गया था। अब उसके पास कोई खुद का घर नहीं था, या उसको घर से निकाल दिया गया था, उसको डाल दिया गया था जेल में। इसके बाद लिखा गया, चेंज अ लाइफ लविंग मैन इन टू अ मोंक। कह रहा है वह इंसान जो अपने अपने आप से प्रेम करता था, अपने खुद से प्रेम करता था, अब वो एक सन्यासी का रूप वो ले लिया था, सन्यासी बन गया था। मंडेला वॉज नो मोर वर्चुअस एज सेल्फ सेक्रीफाइस। कह रहा मंडेला अब एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति नहीं थे, गुणी नहीं थे, जो खुद को बलिदान करना चाहते थे। बट ही कुड नॉट इवन एंजॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। और कह रहा है कि वो अब कम आज़ादी में या लिमिटेड स्वतंत्रता में वो जीना नहीं चाहते थे, या गरीब बनकर अब वो रहना नहीं चाहते थे। ही फेल्ट हिमसेल्फ रॉब्ड व्हेन ही केम टू नो दैट हिज पीपल वर नॉट फ्री। क्या जब उनको मालूम पड़ा कि उनके जो लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, तो लगा ऐसे कोई उनको लूट लिया है, कोई उनकी आज़ादी को कब्जा कर लिया है। ही फेल्ट दैट द स्लेवरी ऑफ हिज पीपल वॉज स्लेवरी ऑफ हिज वन। उन्होंने महसूस किया कि उनके जब लोग गुलाम हैं तो गुलाम वो भी हैं। कह रहे हैं अपने लोगों को गुलामी का आज़ाद कराने के लिए वो संघर्ष करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया, जब उनके मन में आज़ादी की जो है इच्छा आई तो पूर्ण रूप में उनका जीवन बदल गया। वो बताया गया कि वो एक घरहीन व्यक्ति बन गए थे, उनका घर छूट गया था, वो अपने आप से प्रेम करते थे, अब वो सन्यासी बन गए थे। अब उनको क्या था, कह सकते हैं लिमिटेड फ्रीडम नहीं पसंद था, उनको पूरी आज़ादी पसंद थी, पूरी आज़ादी वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया, कह रहा है कि हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। कह रहा है कि किस प्रकार से उद्घाटन के दृश्य मंडेला जी ने डिस्क्राइब किया, उसका उल्लेख किया है। इसका आंसर लिखा गया है, नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन इन जुबिलेंटली। कह रहा है कि बहुत ही खुशी से, उल्लास से उन्होंने इस दृश्य को, उद्घाटन को जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका उल्लेख किया है। इट टुक प्लेस ऑन द ब्राइट एंड क्लियर डे। कह रहा है कि ये जो बहुत ही सुंदर और अच्छे दिन इसका
उद्घाटन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। द टेंथ में इन सैंड स्टोन एम्फीथिएटर, कह रहा है कि वह दिन 10 मई का था और जहाँ पर स्थापित हुआ था उस स्थान का नाम था सैंड स्टोन एम्फीथिएटर। कह रहा है मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड ग्रेट पर्सनालिटीज वर प्रेजेंट देयर, कह रहा है कि बहुत जो है पूरे विश्व के जो महान महान नेता और अच्छे लोग वहाँ पर स्थापित थे। ही हैड गॉन देयर विद हिज डॉटर जिनेनी, कह रहा है कि वहाँ वहाँ अपनी पुत्री जिनेनी के साथ में गए थे। एट फर्स्ट डी क्लर्क वॉज सोन इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑन द पोडियम, कह रहा है कि सबसे पहले मंच पे मिस्टर डी क्लर्क जो है वो द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद बोला गया है देन द थेबो में भी इसे बोलेंगे मेकी एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड आफ्टर दैट मंडेला वॉज सोन इन, कह रहा है उसके बाद में जो है आपके थेबे मेकी जो हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद में मंडेला जी शपथ अपनी वो लेते हैं। आगे लिखा गया है दिस सेरेमनी वॉज हेल्ड टू डिक्लेयर नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कह रहा है कि यह समारोह इसलिए स्थापित हुआ था कि आज पहली बार जो है कोई ब्लैक इंसान जिसका नाम था नेल्सन मंडेला जी वो राष्ट्रपति पद की शपथ आज ले रहे हैं, जो कि किस देश के थे, वो उस देश के थे साउथ अफ्रीका के। फाइनली द जेट्स लेफ्ट ऑफ स्मोक ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, और इसके बाद में जो है आपके जो जेट जो विमान थे वो कई प्रकार के जो है रंग कई प्रकार के जो है धुएं के साथ में आपके एक नए साउथ अफ्रीका के झंडे का जो वो दिखा रहे थे, वो धुएं के रूप में उसको प्रकट कर रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड बाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम, कह रहा उस दिन जो है एक ऐसा दिन था जब एक साथ दो राष्ट्रगान को गाया गया था। नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेलम्ड, कह रहा नेल्सन मंडेला इससे बहुत खुश है, बहुत उससे वो प्रसन्न हो गए। क्वेश्चन आगे लिखा गया आपका, कह रहा है कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो अधिकांश पूछे जाते हैं। लिखा गया व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, कह रहा है कि अपार्थीड, कह रहा है कि रंग भेदभाव का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी नीति क्या होती है। व्हाट वॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ब्लैक, कह रहा है कि इसका प्रभाव जो वहाँ पे काले लोग थे उनके ऊपर क्या पड़ा या कैसा पड़ा। तो इसका आंसर लिखा गया है द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाई वाइट्स अगेंस्ट ब्लैक इन साउथ अफ्रीका वॉज टर्म एज द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, कह रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पे गोरे लोग साउथ अफ्रीका के काले लोगों पे जो है उनको रंगे भेदभाव के रूप में अलग कर रहे थे या उन पे जो है बहुत प्रताड़ना कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उसी को बोला गया यहाँ पे अपार्थीड। कह रहा है जब कभी किसी इंसान के साथ में रंगे भेदभाव के रूप में या रंग के रूप में उसे भेदभाव करते हैं गोरे काले में किसी रंग में, तो उसे बोलते हैं लोग अपार्थीड। इसके बाद लिखा गया है द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, कह रहा है कि जो काले लोग थे उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था उस समय। दे हैड नो फ्रीडम फॉर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट ऑफ देयर चॉइस, कह रहा है कि उनको इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का वो आनंद उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आगे लिखा गया है द ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड एंड सो सफर्ड बैडली एट द हैंड्स ऑफ वाइट्स, क्या जो वहाँ पे अंग्रेज लोग थे वो ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनको हर तरीके से टॉर्चर करते थे और उनको हर तरीके से कष्ट देते थे। आगे लिखा गया है दे फेस्ड ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी, कह रहा है कि वो वहाँ के अत्याचारों को और उनके निर्दयता को बहुत ही दुख से बहुत ही परेशानी से उनका वो सामना कर रहे थे। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वन इन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, कह रहा है कि ये घाव ये इस प्रकार का जो भेदभाव था उनके देशवासियों पर इस प्रकार से घाव बना रहा था जो कि अभी अंत तक वो चलता रहा। इट वुड टेक जनरेशन टू रिकवर फ्रॉम दैट प्रोफाउंड वाउंड, कह रहा है कि ऐसा घाव जो है वो कभी किसी पीढ़ी तक या बहुत सी पीढ़ियों तक नहीं भरता है, उनको भरने के लिए बहुत पीढ़ियों को जो संघर्ष करना पड़ता है या उसके लिए लड़ना पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, दोस्तों और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन दबाइए, इससे आपको हर एक वीडियो सभी मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
Bye.